हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिले हो गया, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स का, नवंबर मंथ का। सॉरी फॉर दैट कि वीडियो थोड़ी सी आपकी लेट हो चुकी है ये, बट कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट मंथ का जो वीडियो बिल्कुल टाइम से मिलेगा। किसी वजह से वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया था, तो उसके लिए सभी से माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स को याद करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। तो ट्रिक भी आपको इस तरीके से बताई जाएगी कि आपको सारे याद रहें। उसके बाद देखिए, जब दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपको एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगी जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स वो सभी क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे, ताकि आप पूरे साल का रिवाइज़ कर सको। तो उस वीडियो के लिए आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, वो बिल्कुल आप लोगों को वीडियो ज़रूर दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से डेज हमें कवर करने हैं। तो डेज़ को कवर करने से पहले हमें याद करना होता है कि हम उस तारीख को नवंबर के साथ कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो नवंबर के इसलिए हमें कुछ ना कुछ ट्रिक चाहिए होगी। देखिए, नवंबर में एक बहुत ही फेमस डे आता है जो आप सभी को पता है, चिल्ड्रंस डे। तो चिल्ड्रंस डे यानी बच्चों का दिवस, ये सभी को पता है कि 14 नवंबर को ये आता है। तो हम इसको चिल्ड्रन के साथ या आप कह लो चाइल्ड के साथ रिलेट कर सकते हैं। और नवंबर में आपका दिवाली का टाइम भी आता है, तो आप दिवाली के साथ भी रिलेट कर सकते हो। जो भी आपको ट्रिक आप अपनी भी यूज़ करना चाहो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, जैसे अक्टूबर को हमने ऑक्टोपस के साथ, या फिर उस टाइम अक्टूबर में आपका जो है वो टीचर्स डे होता है, तो उसको टीचर्स के साथ रिलेट किया। तो हर मंथ का कुछ ना कुछ एक हिंट बना लीजिए, ताकि उस महीने को सेपरेटली याद कर सको। बाकी हम डेट के साथ तो इसको रिलेट करेंगे, तो हमें याद हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले डे है 5 नवंबर, जो आपका आता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। और थीम यहाँ पे लिखी है एनहेंसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रेज सुनामी अवेयरनेस। अच्छा, सुनामी अवेयरनेस डे 5 के साथ इसे कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, दिवाली पर क्या होता है, अब दिवाली पर बच्चे का शांत बैठते हैं, नहीं बैठते भाई, वो इतना ज़्यादा हल्ला उल्ला करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सुनामी ही मचा दी हो, है ना। पूरा टाइम क्रैकर्स, कभी कुछ कभी कुछ, तो 5-5 घंटे तक क्रैकर्स ही चलाते रहते हैं, खेलते ही रहते हैं। तो पूरा दिन सुनामी जैसा लगता है कि भैया हाहाकार मच गया है। तो हमने यहाँ पर चाइल्ड और दिवाली दोनों चीज़ों को रिलेट किया, और इसको 5 के साथ भी रिलेट किया। ओके, अगला दिन देखो, 6 नवंबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिन को स्टेबलाइज किया गया था बाय द UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अब देखो, जब दिवाली हो गई है ना, तो दिवाली के अगले दिन हम ऐसी बात कर रहे हैं, दिवाली हो गई हमारी, सब कुछ हो गया, तो 5 को हमने रिलेट किया था, तो इसके अगले दिन क्या होगा, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा एनवायरनमेंट में, क्योंकि बहुत क्रैकर्स वगैरह जलते हैं, पटाखे जलते हैं, तो बहुत धुआं हो जाता है, पूरा एनवायरनमेंट एकदम पोल्यूटेड हो जाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसी कहीं वॉर छिड़ गई हो, कितने तोपें, कितनी चीज़ें चली हों, ऐसा लगता है एनवायरनमेंट को देख के। तो एनवायरनमेंट, वॉर, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, तो ये सारे वर्ड हम हिंट के तौर पर ले सकते हैं। और अगले दिन की बात कर रहे हैं, यानी 5 से अगला दिन हो गया आपका 6 नवंबर, तो इस तरीके से याद करेंगे। इसके बाद 7 नवंबर को होता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, और इन्फेंट प्रोटेक्शन डे भी होता है, जिसकी थीम है प्रोटेक्टिंग, प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग इन्फेंट्स, शिशु सुरक्षा दिवस जैसे हम कहते हैं। तो हम इन्हें को एक साथ याद करेंगे। देखो, 7 नवंबर को हम इस तरीके से याद करेंगे। आजकल देखो, कैंसर के बारे में लोगों को बहुत ही अवेयर किया जाता है, क्योंकि ये किसी भी एज के बच्चों में, बड़ों में, कहीं किसी में भी हो सकता है। तो हम ऐसे याद करते हैं कि आजकल ज़्यादा देखा, ऐसा देखा जा रहा है कि जो 7 साल के बच्चे हैं उनमें भी कैंसर जो है वो हो रहा है, तो उनमें को, उनके लिए लोगों में अवेयरनेस दी जाएगी। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि हम इसको सिर्फ रिलेट कर रहे हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलरली इससे इसका कोई मतलब नहीं है, कि कुछ बच्चे होते हैं जो शिशु
मतलब हमें बचपन से ही उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ठीक है। तो हम शिशु यानी जो जब इन्फेंट होता है बच्चा, जब बिल्कुल छोटा होता है, उसी टाइम से हम उसको प्रोटेक्ट करें, अच्छे से उस पर ध्यान दें, हेल्दी चीज़ें खिलाएं, ताकि इस समय इस चीज़ ये जो समस्या है वो आगे जाके ना हो पाए। तो इसीलिए हम इसको रिलेट कर रही हैं कैंसर के साथ में, ठीक है। कि कैंसर क्या कोई भी बीमारी हो सकती है देखिए बच्चे को, लेकिन फॉर द आपका जो डे है उसके लिए हम कैंसर को रिलेट करते हैं। अब अवेयरनेस फैलाने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम दो तरीके से काम करेंगे, क्योंकि आगे नेक्स्ट डे आता है 8 नवंबर, नेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी होता है, और इसी दिन अर्बनिज्म डे भी होता है। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए शहरों में क्या हो रहे, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, होते भी हैं देखिए शहरों में प्रोग्राम्स, कैंपेन्स चलाए जाते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके, और जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है वहाँ रेडियो के माध्यम से भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि रेडियो पे लोग सुनेंगे तो उन्हें इसके बारे में पता चलेगा। तो दो तरीके से यहाँ पे अवेयरनेस दी जा रही है। तो इसलिए अगले दिन यानी 8 नवंबर को आपके दोनों दिन कवर हो गए, और थीम भी आप साथ ही साथ में यहाँ पर पढ़ सकती हैं। चलिए, तो ये आपको समझ आया होगा इतना। अब आता है आपका 10 नवंबर, जिस दिन होता है वर्ल्ड साइंस डे, और इसकी थीम है बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज़। अब देखो बच्चे, आपको पता है कि बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, बहुत सारा। अब जो बच्चे स्कूल में एजुकेशन लेते हैं तो साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से आप रियल वर्ल्ड के साथ उसे कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी हो जाती है बच्चों में, 10-10 सवाल पूछने लगते हैं। तो 10-10 से हम याद करेंगे 10 नवंबर, और बच्चे साइंस में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो बच्चे भी आ गए देखो और साइंस भी आ गया। तो इसका मतलब हम नवंबर की बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जब बच्चे ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप करेंगे तो उनकी एजुकेशन स्ट्रांग बनेगी, वो काफ़ी अच्छा उस चीज़ में हो जाएंगे। तो इसलिए अगले ही दिन 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे होता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की। ये हमारी इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये दिन मनाया जाता है। इसके बाद देखो आते हैं 12 नवंबर, 3 दिन होते हैं, तीनों को हम एक साथ कवर करेंगे, आयुर्वेदा डे, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे और निमोनिया डे। थीम आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखी हुई है, आप देखिए। अब देखो, अपने निमोनिया का सुना होगा, निमोनिया वैसे तो किसी भी एज में हो सकता है, बट स्पेशली जो बच्चे होते हैं ना उनके अंदर जल्दी ही ये हो सकता है निमोनिया, ठीक है। तो हम ऐसे मानते हैं कि 1 से 2 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर निमोनिया बहुत जल्दी पकड़ सकता है, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो 1-2 से क्या हो गया आपका 12, और बच्चों का मतलब क्या हो गया हमारा नवंबर, तो 12 नवंबर को हो गया निमोनिया डे। अब बच्चों को देखो, हाँ, ज़्यादा जो एलोपैथिक दवाइज़ होती हैं, मेडिसिन है, टैबलेट्स, वो नहीं दे सकते ना, छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा सा उनको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इसलिए उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से उनको उनके मतलब शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। तो निमोनिया हो गया था बच्चे को, तो फिर क्या दिया गया, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट दिया गया। तो और इस तरीके की जो सर्विसेज हैं वो लोगों को भी करनी चाहिए, पब्लिकली अवेयरनेस देनी चाहिए कि आप बच्चों में अगर निमोनिया हो जाए तो आप इस तरीके से ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे भी होता है 12 नवंबर को। अगला होता है देखिए वर्ल्ड काइंडनेस डे। अब बच्चे तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं ना, तो दयालु तो हम डायरेक्टली इसको कवर कर लेंगे कि दयालुता से हमने क्या कर लिया बच्चे, क्योंकि वो तेरा मेरा नहीं करते हैं ना, तेरा मेरा वाली भावना उनके अंदर नहीं होती, तेरा से आपका हो गया तेरा। तो 13 नवंबर को काइंडनेस डे। 14 नवंबर को 2 दिन होते हैं, एक तो जो बहुत ही फेमस चिल्ड्रन डे है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, और इसी के साथ डायबिटीज़ डे भी होता है। इसकी थीम है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर इफ़ नॉट नाउ व्हेन, तो ये थीम है। अब देखिए, बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है ना, हर टाइम चॉकलेट टॉफ़ी ये सब वो ज़रूर आपसे मांगेंगे, और चॉकलेट टॉफ़ी हम कहते हैं कि ज़्यादा मत खाओ बच्चों, ज़्यादा खाओगे तो आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है,
भाई मीठा खाने से होगी ना, जब आप एक्सेस अमाउंट में मीठा खा लोगे तो डायबिटीज़ होने का खतरा रहेगा, तो इसलिए हम बच्चों को मना कर रहे हैं कि ज़्यादा मीठा मत खाओ। और बच्चों का जो डे होता है वो 14th, तो इसलिए हम दोनों दिन को 14 के साथ में रिलेट करेंगे। आगे देखो, 16 को है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। 1995 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस दिन की अनाउंसमेंट करी गई थी। और नेशनल प्रेस डे भी होता है आपका 16 नवंबर को, ठीक है। तो इसकी टू एक्नॉलेज एंड ऑनर द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। अब देखो, 16 की एज में क्या होता है ना, स्कूल आपका हो जाता है फिनिश, ख़त्म हो जाता है, बच्चा कॉलेज की शुरुआत करने के लिए जाता है। तो क्या होता है ना, कॉलेज में जाने के लिए बहुत टॉलरेंस चाहिए होती है, क्योंकि स्कूल में हम बहुत ही मस्ती, मतलब क्या होता है ना, इतनी ज़्यादा वो उस लेवल पे वो चीज़ें नहीं होती। कॉलेज में जब आप शुरू शुरू में जाओगे तो रैगिंग और वो सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक टॉलरेंस के साथ आपको जाना पड़ेगा। और जो बच्चा आप कह लो, जिसकी किसकी भी बात करो, कॉलेज जा रहा है तो वो जर्नलिस्ट की पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, क्योंकि उसको प्रेस मीडिया में जाना है। तो प्रेस डे भी होता है 16 को और टॉलरेंस डे भी होता है 16 को। 17 को आपका आता है नेशनल एपिलेप्सी डे, यानी राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। तो देखिए, जब बच्चा कॉलेज में जा रहा था तो उसको एक प्रॉब्लम थी, है ना, तो उसको एक खतरा था कॉलेज में जब वो गया, तो उसको पहले से ही एक खतरा था। और खतरे को हम रिलेट करेंगे 17 के साथ, ठीक है। इसका मतलब 17 तारीख हमारी आ गई, तो उसको खतरा किस बात से था कि उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, मिर्गी के उसको दौरे पड़ते थे। तो इस बात का खतरा ये था कि कहीं कॉलेज में जाए और ये सारी समस्याएं ना पैदा हो जाए, क्योंकि वह बच्चा समय से पूर्व पैदा हो गया था। इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि समय से पूर्व पैदा हुआ तो ही मिर्गी का दौरा पड़ा है, सिर्फ और हम याद करने के उद्देश्य से इसको कनेक्ट करें, क्योंकि दोनों ही दिन 17 को हैं। तो 17 को उसको क्या खतरा था कि उसको मिर्गी का दौरा ना पड़ जाए कहीं कॉलेज में जाके, क्योंकि वो बच्चा समय से पूर्व पैदा हुआ था। तो समय से पूर्व यानी प्री मेच्योरिटी डे भी 17 नवंबर को आता है। 18 नवंबर को देखो, एंटी माइक्रो रोगाणु सॉरी एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट होता है ये पूरा हफ्ता, और इसकी थीम है स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस। इसके बाद आते हैं 19th को, तो 19th को आता है मेंस डे और टॉयलेट डे। इसकी थीम है मेंस डे की देखो, बेटर रिलेशंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, एंड टॉयलेट डे की थीम है वैल्यूइंग टॉयलेट्स। अब देखो 19, भाई देखो 18 एज के बाद ना, कहते हैं ना अडल्ट एज हो गई आपकी, बच्चा जवान हो गया, तो एक तरीके से वो अपने आप को समझता है पूरा मैन बन गया हूँ मैं अब, कि 18 साल पूरे हो गए अब मेरे, अब मैं एकदम मैन वाली भावना उसके अंदर आ जाती है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। 20 को देखो आता है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, जिसकी थीम है अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। जो चिल्ड्रन डे हमने पढ़ा था वो नेशनल चिल्ड्रन डे है, ये यूनिवर्सल है, यानी पूरे विश्व में जो चिल्ड्रन डे होता है वो 20 को होता है। तो देखो, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, विश्व। तो विश्व से थोड़ा सा हम ना 20 को रिलेट कर सकते हैं, बहुत ही माइनर सा रिलेट हो रहा है, बट हो जाएगा रिलेट, ठीक है। तो इससे आपको ना एक हिंट मिल जाएगा कि वो 20 तारीख को होता है आपका यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, बस इतना हमें याद रखना है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल भी, ओके। 21 को आता है टेलीविज़न डे। भाई देखो, अब देखो 21 साल आपको पता है कि मैरिजेबल एज होती है बॉयज़ के लिए, तो मैरिज जब हो जाती है बच्चे की, मैं किसी की भी मैरिज हो गई, चलो कोई भी बच्चा ले लो, उसकी 21 साल हो गई, उसकी शादी हो गई, तो वो शादी की जो पूरे की पूरी वीडियो होती है वो कहाँ देख रहे हैं, टीवी पर बैठ कर देख रहे हैं आराम से, है ना। तो टेलीविज़न डे 21 नवंबर को। 25 नवंबर को होता है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और इसकी थीम देख लीजिए क्या है, ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। तो 25 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। तो इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि जैसे शादी हुई, देखो 21 नवंबर को शादी हुई, जिस भी लड़की की शादी हुई है तो किसी लड़की से हुई होगी भाई, तो जो उसकी वाइफ है कुछ साल सही रहा शादी में, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा ही गया है कि वॉयलेंस होना शुरू हो जाता है वुमेंस के अगेंस्ट में। वो बहुत सारी चीज़ों को लेके हो सकता है, डाउरी को लेके हो सकता है, या कई बार ऐसा होता है कि
लड़का होना चाहिए, लड़की है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हिंसा होने लगती है महिलाओं के खिलाफ। तो कुछ साल के बाद तो हम उस तारीख को कर लेते हैं कि 25 जो है वो बच्चा 21 से 25 साल का हो गया, तो उसने क्या करा, वो वॉयलेट वो हो गया, बहुत ज़्यादा हिंसा करने लगा अपनी वाइफ के लिए, है ना। तो इस तरीके से हम हल्का हल्का सा इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर 26 नवंबर को ये सभी को याद होगा, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, इसको तो लर्न कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे नेशनल लॉ डे के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। ये दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 26 नवंबर, एक 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो लागू होना शुरू हुआ था। ये दो वर्ड हैं अफेक्ट में आना शुरू हुआ था 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी सॉरी, जिस दिन हम अपना गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसे अडॉप्ट जब किया गया था वो दिन था 26 नवंबर 1949 का, तो 26 नवंबर को इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया जो है वो आपका मनाया जाता है, ठीक है। या आप इसको चलो अभी याद भी नहीं रख पा रहे हो तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि 25 साल का लड़का था, उसने हिंसा करने लगा, तो जो उसकी वाइफ थी वो भी 25 की थी, आप ऐसे मानो, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया, क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, तो उसने उस चीज़ से लड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की मदद ली और उसमें जो राइट्स वगैरह हैं उनका यूज़ किया। तो अगले ही दिन क्या हो गया आपका, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया हो गया। चलो फटाफट से अब रिविज़न कर लेते हैं, देखते हैं हम लोगों को कितनी चीज़ें याद रही हैं। नेशनल एपिलेप्सी डे, अच्छा एपिलेप्सी यानी मिर्गी, तो मिर्गी से हमने याद किया था उसे खतरा था, किस चीज़ का खतरा था, कि उससे कहीं कॉलेज जाते समय मिर्गी का दौरा ना पड़ जाए, तो खतरे से हमने याद किया था 17 नवंबर। इसके बाद नेशनल प्रेस डे, तो नेशनल प्रेस डे, अब बच्चा जर्नलिस्ट की पढ़ाई करने कब गया था याद करो, बिल्कुल जब उसकी एज क्या हो गई थी, 16, क्योंकि 16 प्लस में के बाद स्कूल तो ख़त्म हो जाता है, कहाँ जाना शुरू करते हैं, कॉलेज, तो कॉलेज में उसको मन था कि वो जर्नलिस्ट की पढ़ाई करे, उसको प्रेस भैया बहुत पसंद था मीडिया वीडिया वाला, तो उसको जाना था, तो इसलिए आप याद होगा आपको ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। टॉयलेट डे, अब टॉयलेट को मेंस के साथ हमने रिलेट करेंगे, तो मेंस जो है वो अपने आप को कब समझ लेते हैं बच्चे के, हम बिल्कुल एकदम मतलब बॉयज़ वगैरह समझते हैं, हम एकदम मैन बन गए हैं हम, जब 18 प्लस हो जाते हैं, है ना, 18 प्लस होते ही एकदम मन में भावना आ जाती है अब तो मतलब बड़े हो गए एकदम से। तो 18 नवंबर को टॉयलेट डे भी होता है और इंटरनेशनल मेंस डे भी होता है, दोनों ध्यान रखिएगा। इसके बाद है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो 21 साल में उसकी शादी हुई थी, तो कुछ साल शादी सही रही, फिर जब वो 25 का हो गया तो वो बहुत ही ज़्यादा अपनी वाइफ को एकदम उस पर हिंसा करनी उसने शुरू कर दी, तो 25 नवंबर को ये दिन होता है, फिर वाइफ ने कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया, तो 26 नवंबर को कौन सा दिन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। तो इस तरीके से बहुत ईजी तरीका है, आपको याद ईजिली कर सकते हो। सुनामी अवेयरनेस डे, तो बच्चा सुनामी बहुत मतलब दिवाली का टाइम है तो बच्चों के अंदर हो जाता ना, सुनामी से लहर पहुँच जाती है, तो 5 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज़। मैं आशा करती हूँ कि आपको जो ट्रिक्स बताई होंगी आप जब उनका यूज़ करोगे ना तो आपको डेफिनेटली सारे दिन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थीम आपको ज़रूर याद करनी पड़ेगी, आप छोटे छोटे से हिंट ले सकते हो जिससे आप थीम को भी याद कर सको। तो चलिए आप लोगों से ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और ऐसे ही सपोर्ट देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।